पीएम मोदी ने टीम इंडिया से की मुलाकात, पीएम ने खिलाड़ियों का किया स्वागत, चैंपियंस और ट्रॉफी के साथ पीएम ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, सभी खिलाड़ियों की तारीफ की, टीम इंडिया ने प्रधानमंत्री से साझा किया अपने अनुभव। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद टीम इंडिया मुंबई रवाना हुई, चैंपियंस की होगी विक्ट्री परेड, वानखेड़े स्टेडियम और मरीन ड्राइव में होगा सम्मान कार्यक्रम। दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल में T20 विश्व कप चैंपियन टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम, होटल में खिलाड़ियों ने की केक कटिंग, जश्न की तस्वीरें आई सामने। मुंबई में विजय परेड की तैयारियां तेज, भारतीय टीम की बस तैयार, परेड के लिए निकल गई और निकलने के लिए तैयार कर ली गई है। आज शाम मुंबई में चैंपियंस की होगी विक्ट्री परेड, वानखेड़े स्टेडियम और मरीन ड्राइव में होगा सम्मान कार्यक्रम। होटल पहुंचने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने किया डांस, रोहित का डांस करते वीडियो आया सामने। वतन वापसी और शानदार जीत का जश्न मनाते नजर आए सूर्य कुमार, आईटीसी पहुंचने के बाद किया जमकर डांस, वीडियो आया सामने। दिल्ली के होटल में टीम इंडिया का शानदार स्वागत, खिलाड़ियों की एक झलक देखकर खुशी से झूमे लोग। मुंबई में टीम इंडिया की परेड को लेकर के ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी का बयान, कहा एमसीए और बीसीसीआई के साथ हुई मीटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारत वापस लौटी टीम इंडिया, T20 चैंपियंस का हुआ भव्य स्वागत, प्रशंसकों का एयरपोर्ट पर दिखा जमावड़ा। बीसीसीआई ने जारी किया खिलाड़ियों के लिए फ्लाइट का वीडियो, वीडियो में वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर के जश्न मनाते नजर आए खिलाड़ी। ट्रॉफी के साथ भारत पहुंची टीम इंडिया, फ्लाइट के अंदर से रोहित शर्मा ने सूर्या के साथ ट्रॉफी लेकर फोटो की शेयर। T20 में भारत की शानदार जीत के बाद खिलाड़ियों की वतन वापसी पर बीसीसीआई ने किया ट्वीट, लिखा घर आ गया। खिलाड़ियों की ट्रॉफी के साथ फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें आई सामने, हाथों में ट्रॉफी लेकर खुशी जाहिर करते दिखाई दिए चैंपियंस। होटल के बाहर लगी विराट कोहली के फैंस की लंबी कतार, कोहली के तहे दिखने वाले करण काफी खुश है, विराट से मिलने होटल के बाहर पहुंचे। उधर हाथरस हादसे का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सड़क किनारे खड़े दिखाई दे रहे हैं सूरजपाल के सेवादार, तेजी से निकला था सूरजपाल का काफिला। घटना के बाद मैनपुरी भागा बाबा सूरजपाल, बाबा के भागने का वीडियो आया सामने। हाथरस सत्संग का एक और वीडियो आया सामने, सत्संग स्थल पर दिखाई दे रही है भारी भीड़, सड़कों पर काफी दूर तक लगा था लोगों का हुजूम। हाथरस कांड की जांच में जुटी पुलिस, आयोजकों की कॉल डिटेल खंगाल रही है, हादसे के बाद आयोजकों के फोन थे बंद, सूत्रों के हवाले से खबर। बाबा के सेवादारों का वीडियो आया सामने, बस में सवार यात्री को धमकाते दिखे सेवादार, यात्री ने कार्यक्रम की वीडियो बनाकर वायरल किया था। बाबा सूरजपाल को लेकर के बड़ा खुलासा, पेपर लीक मामले से जुड़ा बाबा का नाम, दौसा में पेपर लीक माफिया के घर पर लगा था बाबा का दरबार। बाबा सूरजपाल का संभल कनेक्शन आया सामने, 2012 में संभल में बनाया गया था आलिशान आश्रम। बाबा सूरजपाल ने पुरुषों के साथ बना रखी थी महिला सेना भी, महिला आर्मी का वीडियो आया सामने। हाथरस सत्संग में बनाई गई थी रंगोली, रंगोली पर डाला गया था बुरादा, बाबा के भक्तों से सिर पे लगाने को कहा गया था, का सारी परेशानी हो जाएगी खत्म। मध्य प्रदेश ग्वालियर में बाबा सूरजपाल के आश्रम पहुंची पुलिस, आश्रम पहुंच कर ली तलाशी, 2023 में ग्वालियर में हुआ था बाबा का सत्संग। हाथरस भगदड़ मामले में आरोपियों को पकड़ने पहुंची एसओजी की टीम, पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में लिया गया, कई शहरों में चल रही है छापेमारी। मैनपुरी में आश्रम के बाहर पहुंच रहे श्रद्धालु, बाबा का गुणगान करती नजर आई महिला भक्त। हाथरस एएसपी से रिपब्लिक भारत के सवालों पर साधी चुप्पी, हाथरस हादसे पर नहीं दिया कोई जवाब। हाथरस घटना पर महिला कांस्टेबल का बयान, कहा हम लोग कर रहे थे लोगों को बचाने का काम, उसी दौरान गिरने से लगी चोट। हाथरस हादसे में 7 घायलों की हालत स्थिर, एक की हालत गंभीर, जल्दी हॉस्पिटल से मिल जाएगी छुट्टी।
हाथरस में हुआ हादसे के बाद बाबा के भक्तों में भारी गुस्सा। भक्तों ने कहा बाबा को करनी चाहिए थी भक्तों की मदद, लेकिन बाबा फरार हो गया। चाहिए था भैया, हाँ बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया, आदमी खत्म है तो उन्हें जाना चाहिए। यहाँ ना आते हॉस्पिटल पहुंचते, हॉस्पिटल ना पहुंचते तो मीडिया को बुला के कहीं तो जाना चाहिए था ना बाबा। मीडिया के सामने तो शब्द कह देते भैया हादसा पे दुखद, वो भी ना बोले भाई। हाथरस हादसे में मृतकों में ग्वालियर की एक महिला भी शामिल, अपनी सहेलियों के साथ सत्संग में गई थी महिला। हाथरस कांड के बाद फरार चल रहे बाबा की तलाशी में कानपुर पहुंची पुलिस। आश्रम पर पुलिस ने सेवादारों से की पूछताछ। बाबा सूरजपाल के आश्रम में महिलाओं के लिए लगता था विशेष दरबार, खुद को कृष्ण का नया अवतार बताकर लगाता था दरबार। बाबा सूरजपाल की तलाश में यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी, सीएम योगी का बयान, कहा दोषियों पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। उधर बाबा के आश्रम के बाहर पुलिस तैनाती पर बोले सीओ भूंगाव सुनील कुमार, कहा आश्रम के अंदर है 40-50 सेवादार, बाबा आश्रम के अंदर नहीं है। यूपी के मैनपुरी में बाबा के आश्रम के अंदर गई एसओजी की टीम, एसपी सिटी के साथ पुलिस के जवान भी बाबा के आश्रम में मौजूद। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा घटना के लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार, असली मुद्दा छुपाना चाहती है सरकार। दुखद यह है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। हाथरस हादसे पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा सीएम ने खुद घटना स्थल का दौरा कर दिए जांच के आदेश, निष्पक्ष होगी जांच, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सरकार हर मामले में नजर रखी हुई है, जांच निष्पक्ष होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हादसे को लेकर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, कहा यह हादसा किसी की साजिश नहीं, सीएम योगी ने कहा था घटना की साजिश के लिए एंगल से भी होगी जांच। हाथरस हादसे पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने जताया दुख, कहा राहुल गांधी जा सकते हैं हाथरस, घायलों से भी कर सकते हैं मुलाकात। हाथरस पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, हादसे में घायल हुए लोगों से मिलकर जाना उनका हालचाल। राजस्थान सरकार की मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिया इस्तीफा, राजस्थान सरकार में थे कृषि मंत्री, सीएम भजन लाल को भेजा इस्तीफा। इस्तीफे के बाद बोले किरोड़ी लाल मीणा, कहा कई क्षेत्रों में पार्टी नहीं दिला पाया जीत, ये मेरा नैतिक कर्तव्य था, मुझे किसी पद से कोई शिकायत नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस नेता गोविंद सिंह, कहा किरोड़ी लाल का हो रहा था अपमान, इसलिए दिया इस्तीफा। लोकसभा में सांसदों के शपथ के नियमों में किया गया बदलाव, स्पीकर ओम बिरला ने नियम में किया संशोधन, अब शपथ के दौरान नहीं लगा सकेंगे नारे। रजवल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी दाखिल करेगी चार्जशीट, रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न और अश्लील वीडियो शेयर करने का आरोप। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का गठबंधन पर हमला, कहा 25 का महाभारत हम लोग जीतेंगे। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन के नेताओं को कुर्सी का मोह, हेमंत सोरेन को होना चाहिए जेल में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से की तारीफ की है और कहा कि पीएम के नेतृत्व में हुए विकास के कई काम 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। बिहार में नहीं थम रहा पुल गिरने का सिलसिला, गंडकी में ढहा पुल, पिछले दो दिनों में पुल ढहने की तीसरी घटना आई सामने। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, एक दिन में गिर गए 1000 करोड़ के पुल, विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए सत्ता पक्ष को नहीं मिल रहा कोई बहाना। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं का मामला, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, याचिका में पिछले 2 सालों में 12 पुलों के ढहने की घटनाओं का दिया गया हवाला। कजाकिस्तान के अस्ताना में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नीट पेपर लीक मामले में बिहार से झारखंड तक सीबीआई का एक्शन, पटना में सीबीआई ने आरोपियों को सिविल कोर्ट में किया पेश, हजारीबाग में पेपर लीक से जुड़े शख्स की गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ, सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से अमन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, बिहार और झारखंड के सॉल्वर गैंग के संपर्क में था अमन।
सीएम योगी ने सीएम आवास पर किया पौधारोपण। यूपी के अलग अलग नर्सरी में 54 करोड़ पौधे तैयार हुए। एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत किया गया पौधारोपण। पीएम मोदी का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि और अर्पित करके लिखा, उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को शक्ति देती हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अलर्ट मोड पर पुलिस। बाबा के जन्मदिन पर लाखों भक्त के पहुंचने की उम्मीद। हाथरस कांड के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात। गैंगस्टर काका जठेरी अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचा जठेरी गांव। तिहाड़ जेल में बस में भारी सुरक्षा के बीच जठेरी को लाया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बिजली आपूर्ति बाधित। रामबन में लैंडस्लाइड के कारण बिजली टावर हुआ क्षतिग्रस्त। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ जत्था। यूपी के बरेली में ट्रैफिक पुलिस का दिखा अलग अंदाज। एक तरह से अलग अलग पोज में ट्रैफिक पुलिस करती नजर आती है सुरक्षा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। बारिश के दौरान लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी। मणिपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात। पानी में डूबे घर, रेस्क्यू टीम ने लोगों को बाहर निकाला। उधर यूपी के सीतापुर में बारिश के बाद हालात खराब हुए। ग्रामीण इलाकों में भी भरा पानी। पानी निकालने का काम लगातार जारी। गुरुग्राम में भी दिखा बारिश का असर। सड़कों पर भारी जल जमाव। यातायात भी प्रभावित। राजस्थान में सीकर रोड पर बारिश के बाद हालात खराब। सड़क को भरा पड़ा लबालब पानी। तैरती दिखाई दी गाड़ियां। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। यूपी के जौनपुर में बारिश ने खोली नगर पंचायत की पोल। दुकानों में अंदर घुसा बारिश का पानी। निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण हो रहा है जल जमाव। यूपी के रायबरेली में फैक्ट्री में चोरी करते ग्रामीणों ने चोर को जमकर पीटा। पिटाई के बाद चोर को पुलिस के किया गया हवाले। कई घटनाओं को दे चुका था अंजाम। यूपी के जौनपुर में शख्स ने की महिला की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बेंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज के छात्र ने सरेआम गार्ड पर चाकू से किया हमला। घटना में पीड़ित जय किशोर रॉय की मौत हो गई। रिपब्लिक के पास मर्डर का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद। मध्य प्रदेश के मंदसौर में युवक की बेरहमी से पिटाई। लड़की को भगाकर शादी करने पर परिजन थे नाराज। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद। एक युवक के साथ की जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के जौनपुर में युवक की जूते से पिटाई। महिला के साथ अभद्रता को लेकर पिटाई हुई। पुलिस की मौजूदगी में की मारपीट।